हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की पानी वाली सब्जी, जिसे कि तरी वाली सब्जी भी कहा जाता है। तो बिना देर किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। यहाँ पे मैंने गोभी ले ली है, 1/4 कप के बराबर ली है मैंने गोभी, और इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रख के मैंने यहाँ पर गोभी रख दी है गैस पर। साथ ही में मैंने 1 कप के जितना पानी डाल दिया है। हल्दी और नमक डाल देंगे, आधा आधा छोटा चम्मच दोनों, और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए 3 से 4 मिनट तक हम गोभी को उबाल लेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप को गोभी को वॉश करना कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने उबाल लिया है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, इसीलिए इस तरीके से धोना इसे बहुत ज़रूरी होता है। आप गर्म पानी में, नमक के पानी में भी धो करके ले सकते हैं। गोभी को अब हम साइड में रख लेते हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप एक बर्तन रखते हैं जिसमें कि हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो इस पर मैंने डाल दिया है लगभग 1 बड़े चम्मच जितना तेल। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। जब तेल गर्म हो जाएगा, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 पिंच जितनी हींग डाल देंगे। हल्का सा दोनों को चला लेंगे। 10 सेकेंड बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो 4-5 करी पत्ते लिए हैं मैंने बीच से कट करके, साथ ही में एक प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का। दोनों को डाल देंगे, 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चला लेंगे। जब प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, तब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, इस तरीके से बारीक कट की हुई। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यदि आप अदरक लहसुन पसंद करते हैं तो यहीं पर डाल लीजिए और उन्हें भी मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम अब हम लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। यहाँ पे 3-4 मिनट लगे हैं, ये अच्छे गोल्डन हो गए हैं, जले नहीं हैं, ये गोल्डन हुए हैं। इस स्टेज पे हम टमाटर डाल देंगे। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने यहाँ पे कट करके डाल दिया है, साथ ही में आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल दिया है। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और टमाटर को इस तरीके से फैला करके गैस का फ्लेम लो रख के कवर करके 3 से 4 मिनट तक हम टमाटर को कुक कर लेंगे। बीच में एक बार मैंने इसे चला लिया है, तो टमाटर यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम लो ही रहने देते हैं, और मसाले से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। लगभग 1 बड़े चम्मच जितना पानी डाल दिया है मैंने। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जितना हम धनिया पाउडर डाल देंगे। 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ऑयल सेपरेट होने तक अच्छी तरीके से मसाले को पका लेंगे। तो इस स्टेप में 2 से 3 मिनट लगती है। तो देखिए यहाँ पर मसाले अच्छी तरीके से रेडी हो गए हैं, कुक हो गए हैं, ऑयल भी निकल आया है, टमाटर भी हमारे पक गए हैं। अब हम यहाँ पे आलू डाल देते हैं। तो छोटे साइज़ का आलू लिया है मैंने, क्योंकि मैं सब्ज़ी की क्वांटिटी कम रख रही हूँ। साथ ही में जो गोभी हमने रेडी करके रखी थी वो डाल देते हैं। तो गोभी को हमें छान करके नहीं लेना है, चम्मच से या ऊपर ऊपर जो बड़े बड़े पीसेस हैं उन्हें निकाल करके ले लेना है। छान कर लेंगे तो बात वही हो जाएगी, जो भी गोभी में छोटे मोटे यदि कोई कीड़ा होता है तो वो आ जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फैला लेंगे, और अब हम इसे कवर करके 5 मिनट तक कुक करने वाले हैं। बीच बीच में 1-2 बार हम इसे चला लेंगे। तो 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं, इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। यदि आप इसी तरह फ्राई सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं। 5 मिनट गोभी को कवर करके फिर कुक कर लीजिए, पर हम पानी वाली सब्जी बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो 1 कप के बराबर पानी डाल दिया है, ग्लास के नाप से 3/4 ग्लास के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिला लेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। यदि आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे यहाँ पे देख लीजिए अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हम सब्जी को फिर से कवर करके कुक करने वाले हैं। तो कवर करके हम यहाँ पे 5 मिनट सब्जी को पकाने वाले हैं, जिससे कि गोभी और आलू अच्छी तरीके से पक जाएंगे। 5 मिनट बाद हम सब्जी को एक बार चला लेते हैं। पानी की क्वांटिटी भी यहाँ पे कम हो जाती है। अब आप यहाँ पे आलू के पीसेस और गोभी के पीसेस को चेक कर लीजिए। आलू के 2-3 पीसेस को चेक करें, क्योंकि कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आलू अच्छी तरीके से हो गए हैं, गोभी भी कम्प्लीटली कुक हो गई है। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देते हैं लगभग एक बड़ा चम्मच जितना। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करके सब्जी को 2-3 मिनट छोड़ देंगे और 2-3 मिनट बाद हम सर्विंग करेंगे। तो सब्जी बन करके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपको थोड़ी ग्रेवी वाली तरी वाली सब्जी खाने का मन करे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।